खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। WF न्यूज आपको खबर दे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं आपको आज वीडियो का हमारा टॉपिक बता दूँ। पहले मतलब जो इस टॉपिक पर हमने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई है वो टॉपिक का नाम है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो यहाँ पर ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह आप जब सुनेंगे ये न्यूज़ तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इंशाल्लाह मेरी इन बातों से जो मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ और जो आज यहाँ पर हम करने वाले हैं इंशाल्लाह वीडियो में, तो उससे जो है आप इंशाल्लाह मुतासिर होंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, क्योंकि आपको मिलेगी हर वीडियो सबसे पहले अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम अपने टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि काफ़ी सारे लोग हमारी पोस्ट पर कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जो आप ये एहतजाज कर रहे हैं इससे जो है अब कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब हमें जो है काफ़ी सारे इस तरह के डीमोटिवेट कर रहे हैं कमेंट्स, और उन कमेंट्स पर जो है मतलब जब हम उन कमेंट्स को देख रहे हैं कि सर जो सेलेक्ट हो गए हैं बस अब वही सेलेक्ट होंगे और जो है बिल्कुल फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन हो चुका है, मतलब ये जो है कमेंट्स हमारी पोस्ट पर आ रहे हैं। मैं आपको दोबारा से अगेन यहाँ पर ये बताता हूँ, आप मेरी गौर से बात सुनिएगा। मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि जब पहले ये पॉलिसी जब 55% की पॉलिसी थी, तो जब भी तजवीज़ दी गई थी और उसके बाद ये भी तो फैसला हो गया था ना, मतलब आप लोग एहतजाज कर रहे थे, उसके बाद सरदार अली शाह साहब ने जो है 40% का कहा कि मैं 40% पे जो है लड़कियों को पास करूंगा और जो है उसके अलावा फीमेल्स को पास करूंगा और जो है 10 ग्रेस मार्क्स जो है उनको मिलेंगे, इस तरह ही कहा था। आप खुद बोलिएगा, कहा था इस तरह? जी बिल्कुल कहा था इस तरह। तो आपको मैं यहाँ पर बताऊँ कि उस पॉलिसी को चेंज कर दिया, रातों रात चेंज कर दिया, ठीक है। क्यों चेंज किया? उन्होंने कुछ सोचा होगा, यानी कि इस पर बैठ के मुज़ाकरात हुए होंगे कि पॉलिसी ये जो 40% वाली है क्यों चेंज की गई है, मतलब इसकी असल वजह क्या है, ऐसा क्या हुआ कि रातों रात मतलब पॉलिसी चेंज हो गई यार, मतलब ऐसा हुआ क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि देखें पॉलिसी जो है अभी जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि जो है आप एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इधर वीडियो पर, आपका जो है मतलब कुछ भी नहीं होगा, मतलब अब फैसला हो गया, फाइनल डिसीजन। मैं आपको दोबारा से बता दूं मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे जेएससी पीएसटी के उम्मीदवारों, मैं आपको यहां पर सिर्फ देखें, मैं खुद तो अप्लाई करता नहीं हूं, मैं आपको सीरियसली जो बात बता रहा हूं वो ये है कि जेएससी पीएसटी के लिए मैंने खुद अभी तक अप्लाई नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे शौक नहीं है, ठीक है, मेरा अपना बिजनेस है कोई और। तो यहाँ पर जो है मैं आपको ये बताऊँ कि देखें सिर्फ यहाँ पर जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पूरा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब हम यहाँ पर जो आवाज़ उठा रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अपनी उस बात पर आता हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि जो है ऐसा नहीं होगा, फाइनल डिसीजन हो गया है, मैं आपको दोबारा से बताऊं, देखें जैसे पहले जो है वो तजवीज़ दी गई थी ना, इसी तरह इसकी भी तजवीज़ दी गई है, अभी फाइनल फैसला अभी नहीं हुआ है, फाइनल फैसला होगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जेएसटी पीएसटी के जो उम्मीदवार हैं और जो हमारी गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, इंशाल्लाह हम मिलकर 40% पॉलिसी करवाएंगे और इंशाल्लाह सबको जॉब दिलवा कर रहेंगे। ये मेरा आपसे इंशाल्लाह समझ लें कि एक वादा ही समझ लें इंशाल्लाह, जब आप हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे, हमारे साथ पोस्ट पर कमेंट करेंगे मिलकर, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, मतलब देखें इंसान की जो उम्मीद होती है ना वही सबसे बड़ी चीज़ होती है, मतलब जो आप दिल में सोच लेते हैं ना, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है वो कहता है, मैं उसका नाम भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे, संदीप महेश्वरी उसका नाम है, वो कहता है कि जो आप सोच लेते हैं ना, जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम 40% पॉलिसी करवाएंगे,
बल्कि सोच रहे नहीं हम यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए भी कर रहे हैं, उनके लिए भी कर रहे हैं। मतलब किस लिए कर रहे हैं? हम बेरोजगार हैं। मतलब हमारे सिंध के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हमारे भाई हमारी बहनें बहुत ज़्यादा जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी है। मतलब अब जॉब से भी गए यार, व्हाट इज़ दिस यार। मतलब ये एक, मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला हुआ है, और इस फैसले पर मैं तो समझ ले कि इस फैसले पर हूँ ही नहीं ना, मतलब मैं इसको मानता ही नहीं हूँ इस फैसले को। बाकी अगर आप लोग, रही बात आप लोगों की, तो कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं कि वो बोल रहे हैं कि फाइनल फैसला हो गया है, फाइनल डिसीजन हो गया है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि फाइनल फैसला नहीं हुआ है, अभी सिर्फ तजवीज़ दी गई है। और इंशाल्लाह जैसे रातों रात 40% वाला पॉलिसी का चेंज हुआ था, तो इंशाल्लाह हम ये भी चेंज करवाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे भाइयों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ पर जो है इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है पूरी कि इंशाल्लाह हमारे जो बहन भाई हैं, मतलब भाई भी हैं, बहनें भी हैं, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर जो है एक समझ लें कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये हमारी जो वीडियोज़ हैं ये आगे जा रही हैं, और इस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, और बाकायदा जो है यूट्यूब दिखाता है कि आपकी वीडियोज़ जो है कौन कौन देख रहा है, कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो ये हमारी जो वीडियो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, और उसके अलावा सिंध में भी देखी जा रही है। तो इट्स मीन कि हमारी वीडियो आगे पहुंच रही है, हमारी आवाज़ जो हम उठा रहे हैं यहाँ पे, हमारी आवाज़ जो है आगे पहुंच रही है। तो इंशाल्लाह जैसे मैं आपको बता रहा था कि 40% वाली पॉलिसी थी, इंशाल्लाह इस तरह जो है हम रातों रात ये पॉलिसी इंशाल्लाह चेंज करवाएंगे। और ये जब होगी इंशाल्लाह, जब हम मिलकर जो है एक पुख्ता यकीन रखेंगे, और जो है मतलब एहतजाज करेंगे, फुल जोश मतलब प्रोटेस्ट करेंगे। ये समझ लें कि यहाँ पे जो वीडियो भी बन रही है इसमें हम प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं एक तरह से ना। तो वीडियो को जो है आप लोगों को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे ना, देखें तो वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे। तो वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, हमारी आवाज़ आगे पहुँचेगी इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ होगा। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे मिलेंगे एक नई खबर के साथ, जब तक के लिए शुक्रिया।